हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज का ये वीडियो कंप्रेसर के मॉडल नंबर के ऊपर होने वाला है कि कंप्रेसर का जो मॉडल नंबर होता है उसका क्या अक्षरों का क्या मतलब होता है और कंप्रेसर की जो वारंटी होती है वो कैसे चेक करते हैं, मेक कब का मेक है, ये सब चेक कैसे करते हैं। तो ये जो अपना ये इसका डिस्चार्ज पॉइंट है और ये इसका सक्शन पॉइंट है। इसका साइज 1 इंच होता है और ये 5x8 का होता है, 5x8 इंच का होता है। अब ये जो अपना इसमें ये जड है, ये बताता है फैमिली को कि किस फैमिली का। जैसे जड यहाँ पे जड है इसमें, तो ये बताता है कि जड फैमिली मतलब कि स्क्रोल कंप्रेसर। ये अपना जो कंप्रेसर है वो स्क्रोल कंप्रेसर है। और जड अगर मान लो जड की जगह अगर जे होता, वी होता, तो जे होता यहाँ, तो हाई साइड स्क्रोल कंप्रेसर हो जाता दोस्तों। ये तो ये फैमिली को दर्शाता है कि ये स्क्रोल कंप्रेसर है। जड से पता चल रहा है हमें कि स्क्रोल कंप्रेसर है। और ये आर है, ये आर बताता है अपना रेफ्रिजरेंट, कौन सा रेफ्रिजरेंट इसके अंदर यूज होता है दोस्तों। ये आर से रेफ्रिजरेंट का पता चलता है। और जो ये अपना 61 है, ये 61 का 61 होता है कैपेसिटी के लिए। और ये आगे 61 से आगे जो अपना के लिखा हुआ है, अगर यहाँ अगर मान लीजिए के है ये, तो ये हो गया, के का मतलब होता है 1000। और यहाँ अगर एम होता तो ये होता 10000। अगर अब जैसे कि 61 है तो 61 और ये के लिखा हुआ ना, तो ये होगा 61000, 61000 BTU ये इसकी कैपेसिटी है। ये अपना जो कंप्रेसर है इसकी 61000 BTU इसकी कैपेसिटी है। और इसमें जो अपना सी है, ये अपना बता रहा है कि जो अपने कई बार कंप्रेसर जो आते हैं वो, जैसे कि अब ये अपना जो है 4.2 TR का जो अपना कंप्रेसर है जैसे, तो अब इससे हैवी भी आते हैं और मीडियम भी आते हैं। तो ये मीडियम टाइप है, सी दिखा रहा है अपना मीडियम टाइप है। और ये टी है, ये दिखा रहा है कि इसके अंदर जो मोटर है, जो अपनी इसके अंदर मोटर वो 3 फेज की है। टी से पता चल रहा है 3 फेज की है। और ये एफ जो है, ये दिखाता है अपनी प्रोटेक्शन को, मोटर की प्रोटेक्शन को। जैसे अब अपन ने कई बार देखा होगा कि डिस्चार्ज प्रेशर से जो अपनी मोटर है वो ट्रिप हो जाती है, तो इंटरनली ट्रिप आपने सुना होगा ना, तो ये एफ दर्शा रहा है कि इसके अंदर इंटरनली प्रोटेक्शन दे रखी है। अगर ई होता है यहाँ तो एक्सटर्नल प्रोटेक्शन होता है ई का मतलब। ये एफ का मतलब है कि इसके अंदर इंटरनल प्रोटेक्शन दे रखी है अपने कंप्रेसर के अंदर। और डी है, ये जो डी है ये अपना दिखाता है कि जो अपना फेस के मतलब कि जो अपनी जो वोल्टेज है ये कितने वोल्ट पे काम करेगा। ये जैसे कि डी है तो यहाँ है जो अपना 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे डी में, वो डी का मतलब होता है कि 380 से 420 वोल्टेज तक इसको चाहिएगी। और अगर 60 हर्ट्ज दे रहे हैं तो इसमें 460 वोल्टेज होनी चाहिए, 460 वोल्टेज दोस्तों। ये जो जैसे कि मैं दो बता रहा हूँ कि दो वोल्टेज है, क्योंकि ये जो अपना मेक होता है हीरोसन का, ये मेड इन थाईलैंड होता है। तो मेड इन थाईलैंड होता है, थाईलैंड से ऐसा तो है नहीं कि इंडिया के अंदर ही भेजेंगे, तो ये अमेरिका भी जाएंगे तो वहाँ वोल्टेज का भी वोल्टेज और फिर वहाँ फ्रीक्वेंसी अलग रहती है, तो इसलिए भी अमेरिका भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, तो वहाँ से तो ये सबको लेके चलते हैं। इस तरह अपनी मोटर का डिजाइन करते हैं अंदर से, तो इसके लिए है। अब ये देखिए सीरियल नंबर है दोस्तों, जैसे सीरियल नंबर इसके अंदर 21 है, 21H है। तो 21 का मतलब क्या है कि ये 2021 का मेक है। और एच का मतलब है, एच देखिए एच अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे कि ए को 1, बी को 2 और सी को 3 मानते हैं, तो एच 8 नंबर पे आता, तो ये मतलब कि 8वें महीने में बना है। ये अंडा ये वारंटी देखने के लिए कोच के सीरियल नंबर इसलिए दिया होता है, जैसे 21/8/2021 को ये बना है कंप्रेसर। तो इससे अपन कंप्रेसर की वारंटी को चेक कर सकते हैं दोस्तों। और जो ये दोस्तों, यदि आपको ये चेक करना पड़ जाए कि कंप्रेसर R22 का है या फिर अपना R407C का है, तो आप इसके लिए चेक करते हैं KCE और KC को। अगर दोस्तों ये KCE और KC मिट जाता है तो अपने को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं कि कंप्रेसर को चेक कैसे करें कि ये R22 का है या फिर R407C का है। अगर KCE और KC मिट जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप ये बात जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। ये POE दिख रहा होगा, तो ये पॉलिस्टर ऑयल होता है। अगर दोस्तों अगर आप इससे ये पूरी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं कि ये क्या होता है, ये 11 mm, ये 11 लिख रखे है, ये क्या है, ये पूरी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो पे अगर अगर
150 लाइक आए, 150 यानी 150 लाइक अगर आए तो मैं आगे इस वीडियो पे आगे ये वाली जो है जो डिटेल है कंप्रेसर की के ऊपर, ये वाली जो कंप्रेसर की डिटेल है इसके ऊपर जो डिटेल है देख लीजिए, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा दोस्तों अगर इसके ऊपर 150 लाइक्स आए तो। तो थैंक यू दोस्तों, तो एक बार और देख लीजिए ZRK61KCTFD522, ये फैमिली को दर्शाता है, ये रेफ्रिजरेंट को दर्शाता है, ये 61K है तो ये है अपना, ये दर्शाता है कि जो अपनी कैपेसिटी कितनी है इसकी, 61,000 है। जैसे अगर एम होता तो ये 10,000 हो जाता, ठीक है दोस्तों। और ये सी है, ये आई हाई लो के लिए दिखा रहा है कि हाँ कहाँ यूज़ करना है, मतलब कि इसकी कैपेसिटी है जो लो है या हाई है। जैसे कि ज़्यादा ज़्यादा बड़े कंप्रेसर भी आते हैं, 15 TR के कंप्रेसर भी आते हैं, और एक डेढ़ टी आर एक एक टी आर दो टी आर के भी कंप्रेसर आते हैं, हाफ टी आर के कंप्रेसर आते हैं। तो उससे ये मतलब मीडियम साइज बता रहा है। टी का मतलब है कि ये थ्री फेज के लिए है, और जो अपना एफ है ये अपना प्रोटेक्शन को दर्शा रहा है कि हाँ प्रोटेक्शन कौन सी प्रोटेक्शन यूज की गई है, और जो डी है अपना ये अपना दिखा रहा है कि इसके अंदर जो है 400 ये वोल्टेज को दर्शा रहा है कि हाँ 400 वोल्ट है कितनी है, और ये जो 522 ये अपना बोम को दर्शाता है, जो हर एक कंपनी का अपना बोम होता है बिल ऑफ मटेरियल, तो ये कंपनी के बिल ऑफ मटेरियल को दर्शाता है दोस्तों, रोशन कोपलैंड के बिल ऑफ मटेरियल को दोस्तों। इसमें भी ऐसे ही है, सेम सीरियल है, जैसे 21A है तो 21 ये 2021 में बना है, और ए मतलब जनवरी 2021 में बना है दोस्तों ये कंप्रेसर, आप इसे अंडर वारंटी का पता लगा सकते हैं दोस्तों।